वो थोड़ा सा यूट्यूब थोड़ी स्टॉप हो गई थी, ये समस्या आ रही है। आज आज इस समस्या को झेल लीजिए, इस मोबाइल से वीडियो बनाना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा मैं आज आपको किस चीज की जानकारी दे पा रहा हूं। जो भी आपके दिमाग में सवाल है ना, जो भी आज को आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, सारे सवालों को जो जो मैं बताता चलूं इसको नोट करते चलना बाबू। अब इसको लाइटली मत लेना, अब इसको सीरियसली लेना। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अब आपको मेहनत की इंतहा करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो सभी को गुड मॉर्निंग। पहले मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आवाज में? ओके, हाँ ठीक है। अब समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पूरा ऑपरेशन कर दिया मैंने इसका, पूरे का पूरा ऑपरेशन। आज सिर्फ हम डिटेल्स देखेंगे, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। अब उस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझना मेरी बात को। क्या सबसे पहले जब वैकेंसी आई थी तो ये जो एडवर्टाइजमेंट था इसका नाम था सेंट्रल इंप्लॉयमेंट, सेंट्रलाइज्ड इंप्लॉयमेंट नोटिस 01/2018। ठीक है, इसमें एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सम्मिलित होकर आई थी। ये वैकेंसी थी 26,502। क्लियर है ना मेरी बात? फिर ये वैकेंसी बढ़ी और बड़ी होकर बढ़कर ये कितनी हो गई, जब ये वैकेंसी बढ़ी इंक्रीज हुई तो कहा गया 60,000 हो गई। अब जो फाइनल वैकेंसी है, एएलपी की 27,795, 27,795 काफी वैकेंसी है। दो, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए, एक मैकेनिकल ट्रेड के लिए, समझ रहे हैं? दूसरी जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड करके इसका होता है, पोस्ट कौन सी होती है? टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जो मतलब इसके ट्रेड है वो बहुत सारे, इनकी वैकेंसी है 36,576। ठीक है, ये लगभग लगभग 154 अलग अलग प्रकार के ट्रेड है, क्योंकि ये टोटल के टोटल ट्रेड कितने बैठा रखे उसने, पोस्ट कैटेगरी कितनी दे रखी है 156। तो टेक्नीशियन ग्रेड के 154 अलग अलग प्रकार के, और इलेक्ट्रिस इसमें एएलपी में दो प्रकार के, 27,795। ये मेरी बात समझ में आ रही है? जब वैकेंसी निकाली थी तो निकली थी 26,000, अब कितनी हो गई, लगभग 64,000 के लगभग वैकेंसी हो गई है। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आरआरबी ने जब ये नोटिफिकेशन दिया था तो हमसे ये कहा गया था कि जितने लोग भी, इसमें दो स्टेज रखी थी, एक रखी थी CBT 1 और एक रखी थी CBT 2। CBT 2 में इन्होंने क्या कहा था कि जितने लोग CBT 1 में क्वालिफाई होंगे, जितने वन मतलब जितने लोग कट ऑफ को क्लियर करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, क्वालिफाई होंगे, वो CBT 2 में जब जाएंगे तब हम उनसे जोन की और उनके प्रेफरेंस की, पोस्ट की, उनके आरआरबी वगैरह की इंफॉर्मेशन मांगेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब ये नोटिफिकेशन आया था तो रेलवे ने कहा था कि जब हम CBT 1 को बच्चों को कट ऑफ क्लियर कर देंगे तब हम सिर्फ पास हुए बच्चों से मांगेंगे, किससे, जो लोग पास हुए होंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता तो रेलवे ने क्या किया कि अब ये पास होने वालों से ना मांगकर जितने भी, जितने बच्चों ने भी CBT 1 दिया है, तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि उससे ये CBT 2 की इंफॉर्मेशन इसलिए भरवाई जा रही है कि उसका CBT 1 क्लियर हो गया, तो गलत है अभी दिमाग में। पहले रेलवे ने यह कहा था लेकिन अब रेलवे इस इंफॉर्मेशन को इसलिए कंप्लीट करवा रहा है क्योंकि वो ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसे ही CBT 1 की प्रक्रिया खत्म होगी उसको उसको पता होगा कि कितने कितने लड़कों के, कितने कितने स्टूडेंट्स को उसको आगे भेजना है, और उसके हिसाब से उसने ट्रेड वगैरह पहले ही फिल करा लिया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अभी जो CBT 2 के लिए जो डिटेल्स मंगाई है आपसे, जोन की, पोस्ट की, ये सबके लिए ओपन है 1 तारीख तक, 1 तारीख रात 12 बजे तक। चलिए अब आ जाते हैं CBT 1, इसको बाद में देखेंगे क्या हुआ, कितनी कट ऑफ होगी, कैसे होगी। CBT 2, इसमें दो चीजें बताई गई, एक इसका एग्जाम होगा पार्ट ए नाम से। ये जो पार्ट ए होगा ये 100 क्वेश्चंस होंगे, इसी पे मेरिट बनेगी। इस पे क्या बनेगी? मेरिट। मेनली जो मेरिट डिपेंड होगी वो किस पे होगी? इस पे। CBT 2 में दो पार्ट, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। ये जो पार्ट बी है ये है आपका ट्रेड का। एएलपी के लिए थर्ड भी हो जाता है जिसे आप साइको टेस्ट बोलते हैं, वो अलग चीज रहेगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं क्या समझा रहा हूं, CBT 2 में जो मेनली आपको एग्जाम देने हैं दो, पार्ट ए पार्ट बी।
ये जो पार्ट बी है ये है जिसकी वजह से आप सब लोग परेशान हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कि आप जब रेलवे में जाते हैं तो रेलवे में डिपार्टमेंट होते हैं, कि आप इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप वेल्डर डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे पुलिस में होता है कि कोई लोग जनरल ड्यूटी देते हैं, कोई लोग क्लर्क होते हैं, कोई लोग जो स्वीपर होते हैं, कोई लोग आर्मी में देखा होगा सर्विस कोर में काम करते हैं, कैंटीन वगैरह में काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह रेलवे में भी डिपार्टमेंट है। अब जब रेलवे में डिपार्टमेंट है बाबू, तो वहां पे जाकर इंजीनियरिंग का बहुत सारा काम होता है, आपने देखा होगा पटरी बनानी होती है, इतना सारा रेलवे में सबसे ज्यादा काम होता है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेड के लोग भी चाहिए उन्हें। तो उसी हिसाब से उन्होंने आपसे पोस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड मांगा है। अब आगे समझिएगा मेरी बात को। देखो मैं जो समझाता हूं ना, थोड़ा सा समय लेता हूं, चार्ज होने में समय लगता है, लेकिन आपके हर एक शंका का समाधान कर दूंगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, पहले इन्होंने जब शुरुआत में ये नोटिफिकेशन आया था स्टार्ट में, तो इन्होंने क्या किया था कि अगर किसी की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन थी, कैसे, किसी ने 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ भी है उसके पास, फिजिक्स प्लस मैथ भी, सी को छोड़ दो, केमिस्ट्री को छोड़ दो, फिजिक्स और मैथ है, केमिस्ट्री हो बाकी हो अलग बात है, फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। किसी के पास 12th क्लास में फिजिक्स एंड मैथ था, उसने वो भी अपना बताया था, किसी के पास आईटीआई थी उसने वो भी बताई थी, किसी के पास डिप्लोमा था 3 साल वाला उसने वो भी बताया था, किसी के पास बीटेक की डिग्री थी उसने वो भी बताई थी। मल्टीपल ट्रेड हो रहे थे, कहने का मतलब उसने कई सारे ट्रेड भरे थे, कई सारे। अब बच्चा आप कई सारे ट्रेड में तो एग्जाम दे नहीं सकते, तो आरआरबी ने एक मौका दिया, आरआरबी ने क्या कहा कि आपको कई सारे ट्रेड नहीं देने, आप सिर्फ इसको छोड़ दो, आप सिर्फ अब एक ट्रेड भरो, एक ट्रेड सेलेक्ट करो। अब एक ट्रेड कैसे, मेरी बात समझ रहे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप में से समझ गया तो बहुत ही अच्छा है। समझिएगा, रेलवे ने क्या कहा कि आप सिर्फ एक ट्रेड भरिए, एक ट्रेड, और उसी ट्रेड का पार्ट बी एग्जाम दीजिए। सीबीटी 2 में पार्ट बी जो एग्जाम है ट्रेड का, सिर्फ अपने ट्रेड का दीजिए जो आपने भरा है। समझिएगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, किसी ने आईटीआई कर रखी है वेल्डर से, आईटीआई किससे कर रही है कि वेल्डर, समझना मेरी बात, आईटीआई किससे कर रखी है वेल्डर, 10th प्लस आईटीआई कर रखी है बंदे ने वेल्डर से, ओके। अब वो सिर्फ वेल्डर का एग्जाम दे, वो पार्ट बी किसका दे, वेल्डर का, और जिस भी पोस्ट के लिए लेके एक पोस्ट से 156 तक की जो पोस्ट दे रखी है आपको, एक से लेके 156 तक की जो पोस्ट की कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी नंबर दे रखा है, इसमें जितनी पोस्ट के लिए भी वेल्डर की योग्यता चाहिए, जितनी पोस्ट के लिए भी आईटीआई वेल्डर चाहिए, आप उन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मैंने क्या बताया, आप सिर्फ ट्रेड एग्जाम एक दे रहे हो, लेकिन आप बाकी सारी जिसके लिए भी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आप उसके लिए एलिजिबल हो। एक ट्रेड का एग्जाम दीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कर रखी है बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल जो होती है ना बीटेक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ईई बोल देते हैं उसको, या ईसी, जो जिसमें भी आपने कर रखी है बीटेक, आप अब अपने ट्रेड का एग्जाम एक दीजिए, एक ट्रेड सेलेक्ट कीजिए उसमें से, उस ट्रेड का एग्जाम दीजिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ये एएलपी, चाहे वो एएलपी 1 वाली हो, चाहे वो एएलपी 2 वाली पोस्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट हो या एएलपी मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाली पोस्ट हो, इन दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सिर्फ एक ट्रेड का एग्जाम्पल, एक ट्रेड का एग्जाम देके, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो चाहे वो मैकेनिकल की हो, लेकिन आपने एग्जाम किस ट्रेड का दिया, एक ट्रेड का। तो कहने का मतलब आप अपना एक ट्रेड जिसमें आप माहिर हो उस ट्रेड को सेलेक्ट कीजिए, और उसी ट्रेड से आप जिसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होगी उन सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इसमें एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल जिसमें लोग कंफ्यूजन है, समझ लो कैसे, किसी के पास डिप्लोमा है 12th प्लस डिप्लोमा या 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा, 10th प्लस 3 ईयर डिप्लोमा, समझिएगा मेरी बात, ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, 10th प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा है। अब उसने ये डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो जिसमें भी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग
एलिजिबिलिटी होगी उन सब में ये बंदा मतलब उन सब की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ ये ट्रेड कौन सा भरे जो इसकी मर्जी है, कोई भी एक ट्रेड। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, एग्जाम सिर्फ एक ट्रेड का होगा, बाकी आपके पास अगर वो एलिजिबिलिटी है उस पोस्ट के लिए तो उन सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपको बार बार उस पोस्ट का ट्रेड एग्जाम नहीं देना होगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें एक और एग्जाम्पल अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, जैसे किसी के पास आईटीआई भी है, नहीं आईटीआई नहीं समझो, किसी के पास 12th प्लस डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप इसमें से एक ट्रेड सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो फिजिक्स और मैथ वाला ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथ वाला, लेकिन आपके पास ऐसा है कि मान लो आपने फिजिक्स एंड मैथ से 12th भी कर रखी है और आपके पास बीटेक है और आप एएलपी चुनना चाहते हैं, बीटेक इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन आप ये पढ़ाई नहीं की, आपको नहीं पता कि आप बीटेक इलेक्ट्रीशियन देके क्या करोगे, तो आप ट्रेड चुन लो फिजिक्स मैथ वाला, लेकिन आपके पास बीटेक इलेक्ट्रीशियन है तो आप एएलपी के लिए भी एलिजिबल हो। मेरी बात समझ रहे हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अब बात आ जाती है आगे की, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो ट्रेड सेलेक्ट करने में कि कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करना है। अब बात आती है सर हम कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करें, तो मैं कहूंगा अगर आपने आईटीआई की है, आपको आईटीआई का किया हुआ आता है, आपने पढ़ा हुआ है, नौकरी चाहिए, तो आप अपना वो ट्रेड सेलेक्ट कीजिए जिससे आपने आईटीआई की है ईमानदारी से। जिसने बीटेक अच्छे से की है वो अपने इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल जो भी आपका ट्रेड है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा वाले अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। वो जो लोग जो कैटेगरी नंबर 134, कैटेगरी नंबर 135 और कैटेगरी नंबर 136 सिग्नल ट्रैक मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, ये भी शायद टेली कम्युनिकेशन है, ये जो तीन पोस्ट है 134, 135, 136, इसमें आईटीआई वाले भी दे सकते हैं, और ये आपके फिजिक्स और मैथ जिनके पास है 12th क्लास में, तो उनके लिए सिर्फ ये तीन पोस्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं, जिन्होंने 12th क्लास से भरा है, जिन्होंने कहा है हमारी मैक्सिमम या मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है, 12th क्लास है, ना तो हमारे पास आईटीआई है ना हमने बीटेक की है, आपने किस लेवल से भरा है, 12th क्लास लेवल से भरा है, तो आप सिर्फ इन तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, वो जो दूरभाष होते हैं, दूर से बैठ के जो बात करते हैं, वो जो सारे सेंटर वगैरह लगाते हैं, उन सब के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं, सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन, फिजिक्स और मैथ। तो आप लोग कोई इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल ट्रेड मत भरना, आपके लिए स्पेशल ट्रेड है, आपके लिए वहां पे आ रहा होगा कि 12th विद फिजिक्स एंड मैथ, तो आप अपने इसको सेलेक्ट करना, आपके इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मैथ का ट्रेड एग्जाम जो होगा उसमें मैथ के वो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ये मैक्सिमम फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जो बेसिक चीजें होंगी, एनर्जी से जुड़े हुए क्वेश्चंस, यूनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन, ये बस आपकी बेसिक फिजिक्स चेक करेंगे कि आपको कुछ आता है नहीं आता। जितने भी ट्रेड हैं उन ट्रेड्स की जो बेसिक चीज होती है, जैसे आपने वेल्डिंग पढ़ी होगी, जिसने आईटीआई से वेल्डर किया हुआ है, तो उसमें कुछ शब्द होंगे जैसे मेटलर्जी क्या होता है, तो आपसे पूछ लेगा जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें किसी मिनरल को रिफाइन किया जाता है, किसी ओर को रिफाइन किया जाता है, किसी अयस्क को सांद्र किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। फोर्जिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको दे रखी होंगी। आपको हो सकता है किसी का डायमेंशन पूछ ली जाए, जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, आपसे टेम्परेचर पूछ लिया जाए कि किस टेम्परेचर पर काम करना मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, ट्रेड से सिर्फ वही पूछेगा। ट्रेड के सिलेबस के लिए आपको एक वेबसाइट है डीजीईटी डालोगे, उसमें सबसे ऊपर सिलेबस ही आएगा, डीजीईटी सिलेबस। ये सब ट्रेड का लेटेस्ट सिलेबस है। अभी आप इसको एक से दो दिन इस सिलेबस का अध्ययन करो, अपना फॉर्म भरने के बाद में इस सिलेबस को, जो जो आपका ट्रेड है, जैसे किसी का वेल्डर नाम का ट्रेड है, तो इस सिलेबस को उतार लो कॉपी में। जैसे मैंने आपके लिए ये 11-12 पेज उतार रखे हैं ना, ऐसे बाबू आप इसमें इन सबको उतार लो और फिर आपको पता चलता रहेगा। फिर इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें और हम आपकी CBT 2 की तैयारी में क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको दो पेपर याद रखने होंगे कि जो पार्ट ए है वो 100 नंबर का है,
ठीक है, 100 क्वेश्चन का, ये तो वही है बेसिक जैसा सीबीटी वन आया था, बस इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो पार्ट बी है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे ट्रेड वाला, इसके लिए भी हमारे पास कुछ प्लान है, वो हम आपसे जल्दी डिस्कस करेंगे। सीबीटी वन में जैसा साथ दिया हो पता नहीं, सीबीटी टू तो आपकी हर हाल में क्लियर कराने की कोशिश रहेगी, क्योंकि यही आपका मेन रास्ते में एक रुकावट है। सीबीटी टू क्लियर कर लिया तो नौकरी के आप बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इन सब से। चलो दूसरी बात, अब यहां तक बताओ कि यहां तक आपको कोई दिक्कत हो, अब आप क्या करोगे कि प्रायोरिटी दे देना, जैसे वेल्डर जिन भी पोस्ट के लिए आपने भरा वहां पे ट्रेड वेल्डर, तो वेल्डर जिन जिन पोस्ट के लिए चाहिएगा, जब आप पोस्ट की प्रेफरेंस दोगे ना तो राइट कॉर्नर में आपको शो होती रहेंगी, आप उन पे क्लिक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज कर सकते हैं, आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है उसके हिसाब से। पहली बात सुनना, वहां पे आपको पोस्ट की कैटेगरी नंबर दे रखी है, वहां पे आपको ऐसे दे रखा है कैटेगरी नंबर, ठीक है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका सब डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके लिए जो डिसेबिलिटी है वो कोई डिसेबिलिटी तो नहीं चाहिए, और यहां पे दे रखी है बाद में एलिजिबिलिटी, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि यार मैं किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल हूं, या मैं कौन सी कैटेगरी के पोस्ट के लिए अवेलेबल हूं। जब आप उस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो इस बात को बच्चा, जब आपने जैसे मैंने बताया कि आपने पढ़ा कि एएलपी की दो पोस्ट है, कैटेगरी नंबर वन कैटेगरी नंबर दो, ये दोनों एएलपी के लिए हैं। जो कैटेगरी नंबर वन है वो किसके लिए, एएलपी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल। जो एएलपी टू है ये किस डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल। लेकिन इनके लिए एलिजिबिलिटी एक है। एएलपी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने, या तो तीन तरह की एलिजिबिलिटी है, नंबर ए कहती है 10th क्लास एसएसएलसी, एसएसएलसी वही मतलब मैट्रिक लेवल जो होता है, मैट्रिक मैट्रिक, ठीक है, एसएसएलसी प्लस आईटीआई, और आईटीआई के इन्होंने ट्रेड बता रखे हैं कि आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखी हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके ट्रेड होता है उससे कर रखी हो, आपने फिटर से कर रखी हो, फिटर से कर रखी हो, या आपने हीट इंजन से कर रखी हो, या आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से कर रखी हो, मैकेनिस्ट मैकेनिक डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक टर्नर और वायरमैन, मतलब इतनी सारी दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैकेनिकल के लिए भी। उसमें अच्छे से जब आप ये पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे ना, उसमें आ रखा है आरआरबी कोलकाता है, किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा आरआरबी की पे, तो उसमें आ रखा है 58 पेज का 58 पेज का पीडीएफ, तो उसमें नीचे जाके एनेक्सचर है ए बी, इसमें डिटेल दे रखी है आपको पूरी की पूरी कि यहां पे कैटेगरी नंबर दे रखा है, यहां पे आपको पूरा का पूरा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो। तो आप इसमें से जो भी ट्रेड आपका है जिसमें भी आपने आईटीआई किया है आप उसको भर के एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये तो हो गई ए नंबर बात। एएलपी के लिए जिन्होंने ये नहीं कर रखा, दूसरा क्या रखा है कि आपने मैट्रिक कर रखी हो, मैट्रिक या एसएसएलसी प्लस आपने अप्रेंटिस एक्ट में, आपने उस ट्रेड में जितने ट्रेड दिए गए हैं उसमें आपने अप्रेंटिस कर रखी हो, रेलवे में अप्रेंटिस होती है ना, उन ट्रेड में से फिटर मैकेनिस्ट ये 8 से 10 ट्रेड दे रखे हैं, इनमें से जितने भी आपने जिससे भी कर रखी है तब भी आप बी नाम की एलिजिबिलिटी से एएलपी के लिए योग्य हो। तीसरी जो इनमें दे रखी है, तीसरी मान लो ये दोनों नहीं कर रखे आपने, आपने तीसरी चीज क्या कर रखी है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा। अब बात करोगे सर क्या 12th+2 साल वाला नहीं है, तो बच्चे ये वाला नहीं है, इन्होंने 3 साल वाला डिप्लोमा मांगा है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल, 4 ब्रांच कही है इन्होंने, मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना चारों की चारों ब्रांच डिप्लोमा की, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है ये चारों, और तीसरी जो डी वाली है आपने इनमें से कोई डिग्री कर रखी हो बीटेक वगैरह इन्हीं में या इनसे मिक्स, कभी कभी क्या होता है किसी ने मैकेनोट्रिक्स में कर रखी होगी बीटेक, ठीक है, मतलब इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी मिक्स ब्रांच होती हैं, ये कोर ब्रांच है, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। तो आप मान लो मैकेनिक की कोई ब्रांच है आपकी,
मैकेनिक से जुड़ी हुई कोई ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप अपना यहां पे क्या डाल देना, 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री में मैकेनिकल, और उससे रिलेटेड जो ब्रांच है उसका पेपर तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो योग्यता होगी ना वो आप एलिजिबल रहोगे। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपने कोई मिक्स कर रखी है इनमें से जुड़ी हुई, किसी ने इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक कर रखी है, या आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी होती है ये ईआई नाम की जो ब्रांच होती है, तब भी आप एलिजिबल हो, मिक्स ब्रांच भी एलिजिबल है, लेकिन कोर ब्रांच इन्होंने दे रखी है लेकिन मिक्स भी एलिजिबल है। तो ये 4 तरीके से आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में बीटेक डिप्लोमा वाले किसी के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 10th आईटीआई और 3 पोस्ट के लिए जिन्होंने 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ रखा हो वो लोग एलिजिबल हैं। चलिए यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक चीज को ऑपरेशन सा किया है, अभी मैं आपके क्वेश्चंस भी समझूंगा कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे शुरू हो जाती है आपकी तीसरे कैटेगरी नंबर 3 से लेके कैटेगरी नंबर 156 तक, ये जितनी जॉब है 3 से लेके 156 तक, लगभग 154 कैटेगरी जो है ये है सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, समझ रहे बच्चा? टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में जैसे आपसे कहा गया है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, इसमें किसमें रखा गया आपको, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, जैसे पोस्ट नंबर 3 है आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, तो उसमें आपसे आईटीआई या अप्रेंटिस एक्ट में वाइंडर एंड आर्मेचर में क्या मांगा गया है, आईटीआई मांगी गई है। इसी तरह आगे आगे बढ़ोगे वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, यही टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, कई 3 से लेके 6 पोस्ट तक सिर्फ यही एलिजिबिलिटी है। उसके बाद में आप आओगे ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ब्लैक स्मिथ, जो ये लोहार होते हैं, इसमें आपसे फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर में आपसे क्या मांगी है, आईटीआई वगैरह मांगी है। उसके अलावा आप आगे चलोगे कई सारी 7 से लेके और लगभग आपकी 12 तक जितनी पोस्ट हैं, 12 तक की पोस्ट में आपसे यही मांगा गया है। उसके बाद में 13 से आपको कहा गया है बुक बाइंडर, बुक बाइंडर होते हैं ना, तो उसमें आपसे आईटीआई बुक बाइंडिंग में ही मांगी गई है। फिर 14 से ब्रिज इंजीनियर, ब्रिज जो होते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ब्रिज, उसमें आपसे फिटर वेल्डर मांगा गया है, ब्रिज बनते हैं तो फिटर वो वेल्डिंग की जरूरत होती है ना, तो फिटर और वेल्डर में आपसे मांगा गया है। स्ट्रक्चरल वेल्डर जो होते हैं, वेल्डर वेल्डर होता है ना जो वेल्डिंग करते हैं, इस वाले में आपसे आईटीआई मांगी गई है। फिर कारपेंटर, कारपेंटर की है 16 से लेके और लगभग 24 तक, इसमें सबसे आपसे कारपेंटर फर्नीचर कैबिनेट मेकर, इसमें 10th और आईटीआई या अप्रेंटिस एक्ट में मांगा गया है। कहने का मतलब कि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आप हर एक कैटेगरी को पढ़ो, किसी कैटेगरी की योग्यता समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा आज आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो भी कैटेगरी आपको समझ में नहीं आती कि सर मैं कौन से में भरूं या कैसे, पहली बात तो ये हो जाती है। अब जो पीसीएम वाले हैं, जो लोग बहुत परेशान है कि सर हमने तो फिजिक्स और मैथ से भरा है हमारा क्या होगा, तो बच्चा आपका भी होगा, रुको थोड़ा सा, 1 सेकंड में निकाल लो इसे, 134 136, देखो आपके लिए 3 पोस्ट है, 134 सिग्नल नाम से टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल, 135 टेक्नीशियन ग्रेड 3rd टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन वो वाले होते हैं जैसे कोई स्टेशन होता है ना मेन कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम से बैठ के ट्रेन के ड्राइवर से जो बात हो जाती है, होती है ना उसमें वायरलेस सेट जो चलते हैं इनके रेलवे वालों के, वो वाले सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। और 136 में भी क्या है आपके पास, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी आपके पास 3 तरह की वो है, पहली आपने 10th और आईटीआई कर रखी हो, मैट्रिक आईटीआई कर रखी हो, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक वायरमैन और फिटर से, इन 4 पोस्ट से आपने कर रखी हो, बी वही अप्रेंटिस एक्ट से, या सी 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ हो, 12th क्लास में आपके पास क्या हो, फिजिक्स और मैथ, किसमें, इन 3 पोस्ट के लिए। तो जितने भी ये पीसीएम वाले बच्चे हैं 12th वाले, जिन्होंने 12th से भरा है सिर्फ, वो सिर्फ इन 3 पोस्ट के लिए है। आप अपना ट्रेड भी यही चूज करना बच्चा, और आप जो जब आप वहां पे ट्रेड चूज करोगे तो आपके सामने सिर्फ ये 3
प्रेफरेंस होंगी, आप इसको वन दे दो, दो दे दो, तीन दे दो, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दो, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपकी मर्जी हो, इसमें से कोई सा भी चुन लेना, काम लगभग सबका सेम है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही होगी? नहीं, बहुत सारी इसमें 156 है, तो आप ये 58 पेज का पीडीएफ है और इसके लास्ट में आपको कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है, सभी से पहले भी मैं कह रखा था कि यूट्यूब पे मत घूमो, आप प्लीज एक बार कैटेगरी नंबर तो बच्चा खुद से सेलेक्ट करो कि आप किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल हो। आप टर्नर के लिए हो, आप फिटर से कर रखी है, फिर देखो कि यार फिटर किस किस में आ रहा है काम, कि फिटर के लिए ये कैटेगरी नंबर है एक से लेके, मान लो आपके पास कैटेगरी मतलब बहुत सारी कैटेगरी मिल गई आपको, 10-12 कैटेगरी मिल गई जिनमें फिटर की जरूरत है। अब आप उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अपने हिसाब से क्या दे दो उसको, प्रिफरेंस जो आपको अच्छी लगती हो। आपको लगता है मुझे प्रोडक्शन में रहना है तो उसमें दे दो, मुझे आपको लगता है मुझे ट्रैक मशीन पे रहना है ट्रैक मशीन का दे दो, आपको लगता है मुझे ब्रिज का काम करना है तो ब्रिज के लिए आप अपनी प्रेफरेंस दे दो। तो जहां भी फिटर आती है उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी आप कॉपी पे नोट कर लो। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अब बात आ जाती है कि आप वो कौन सा चूज करोगे, जो मेन चीज आप लोग परेशान हो कि आप लोग जैसे कैटेगरी नंबर 146 से लेके 156 लास्ट की सब वेल्डर के लिए, गैस वेल्डर, इलेक्ट्रिसिटी वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, पाइप वेल्डर, टीआईजी, एमआईजी, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी को चूज करके तब भरिएगा। अब बात आती है मेन कि सर आरआरबी कैसा करें, आरआरबी कौन सा चूज करें, किस आरआरबी में क्या है। तो फिर मैं बता रहा हूं, आपने अपनी कैटेगरी नंबर दिखा कि जैसे पीसीएम वालों से एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे पीसीएम वालों को ले लेता हूं, 12th फिजिक्स एंड मैथ के साथ कैसे करोगे लोग, इन्होंने देखा कि यार हम सिर्फ तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये जो पोस्ट 135 वाली ये तो सिर्फ एक आरआरबी में है, बाकी ज्यादातर में कौन सी है, 134 और 136। आपने देख लिया, अब आपने हर एक आरआरबी उसमें इंफॉर्मेशन है, आरआरबी अहमदाबाद से लेके शुरू है और बाकी सारी जितनी भी आरआरबी हैं सबकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपने देखा यार अच्छा अहमदाबाद में जो एएलपी मैकेनिक है इलेक्ट्रीशियन, अब देखना आपने एएलपी इलेक्ट्रीशियन की तो वैकेंसी नहीं है अलाहाबाद अहमदाबाद में, एएलपी मैकेनिकल की वैकेंसी है 193 अनरिजर्व्ड, तो आपने उसी के हिसाब से देखा यार अहमदाबाद में एएलपी की इतनी वैकेंसी है, लेकिन पीसीएम वालों तो सिर्फ 134 और 136, ये सिग्नल और ये टेलीकम्युनिकेशन। तो इन्होंने अच्छे से चेक किया, देखा कि यार यहां अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी होती है इसकी 73 है, इसकी 31 है, टेलीकम्युनिकेशन की कितनी है 81, इसी तरह एससी के लिए 34 है, एससी के लिए 88 है, कितनी है 8, और इसके लिए कितनी है 1, एसटी के लिए कितनी है ये 8-1, ओबीसी के लिए यहां पे कितनी है 30-8। कहने का मतलब वैकेंसी दे रखी है सिग्नल में इतनी है। बोले यार अहमदाबाद का हाल आपने इसमें देख लिया, उसके बाद आप अजमेर आए, देखते चले ना कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है कहां पे, सब दे रखा है उसमें अच्छे से कैटेगरी वाइज। आपने टेक्नीशियन के लिए चेक कर रहे हो तो टेक्नीशियन के लिए अच्छे से चेक करो कि किस कैटेगरी की कितनी है। आपने फिर देखा अजमेर में, देखा अजमेर में अच्छी है भाई, सिग्नल के लिए 102 भी है, इसमें चार जगह दे रखी है, मतलब देखो अजमेर में भी ऐसे दे रखा हो सकता है आपको वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, मतलब एक आरआरबी में कई सारी रेलवे आती हैं, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट ईस्टर्न रेलवे, इस तरह से जो करके आती हैं, तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। फिर आपने आगे जाके देखा एएलपी के लिए भी आपको ऐसे चेक करना है, तो अलाहाबाद में भी वैकेंसी सही है, बेंगलुरु जैसे बेंगलोर वाला है तो साउथ के लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं, साउथ के लोग जॉब्स पे सरकारी जॉब्स पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि वहां पे ये सॉफ्टवेयर वगैरह की जॉब्स इजीली अवेलेबल होती हैं, उन पे वो लोग प्राइवेट जॉब ज्यादा अवेलेबल होती हैं। इसी तरह आपने देखा भोपाल, भोपाल भी सही वैकेंसी इतनी कम नहीं है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तो कम है, बिलासपुर, बिलासपुर भी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी सही है देखा जाए तो, चंडीगढ़ काफी वैकेंसी है, चेन्नई, चेन्नई भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। उसके अलावा आप देखोगे गोरखपुर कम वैकेंसी है, फिर बता रहा हूं गुवाहाटी कम है लेकिन फिर भी है, जम्मू एंड श्रीनगर वाला जो
आरआरबी है उसमें भी कम है, कोलकाता कोलकाता में भी इतनी नहीं है, 84 है, 14 है, 7 है, 3 है, ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूं, उसी के हिसाब से सब देख लेना। इधर मालदा, मालदा में भी इतनी नहीं है, मुंबई में काफी वैकेंसी है, अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं तो मुंबई में ही है, मुंबई में काफी वैकेंसी है, पीसीएम वालों के लिए कह रहा हूं। मुजफ्फरपुर में कम है, पटना में भी बहुत कम है, रांची में भी 100 लगभग 100 150 100 सवा 100 है जनरल के लिए, सिकंदराबाद नाम का जो एक इसमें भी लगभग 200 के लगभग हैं, 200 सवा 200 टोटल मिला के। तो कहने का मतलब बच्चा इसी हिसाब से आप अपना चेक कर लेना कि कहां पे कौन सी वैकेंसी है, तब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देना, बाद तक पछताना पड़ेगा, यहां पे किस्मत वाला फैक्टर आ जाता है, इतनी पढ़ाई की और तब भी दिक्कत होगी। अब मेन सुन लीजिए मेरी तरफ से कट ऑफ का, हालांकि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो देखो कट ऑफ में जो लगेगी ना आपकी कट ऑफ, वो लगेगी कैटेगरी वाइज, कौन सी वाइज, कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल, जनरल की जितनी वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी जनरल की है उसका गुणा 15 ऐसा समझ लो, इसी तरह एससी की गुणा 15, एसटी की गुणा 15, ओबीसी गुणा 15, एक्स सर्विसमैन, सबको 15 गुना करके बुलाया जाएगा। जैसे 64,000 वैकेंसी थी लगभग, 64,000 वैकेंसी है, 15 गुना मतलब 9,60,000 लगभग 10,00,000 बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, लेकिन वो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज होंगे। एससी एसटी के लिए तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपकी फुल वैकेंसी भी बाबू भरी नहीं जाएंगी, मतलब फुल वैकेंसी भी उसमें पूरी नहीं होंगे सीबीटी 1 से निकल के बच्चे। अब समझो जो जनरल वाले हैं या जो बाकी कैटेगरी वाले हैं कि उनके साथ मतलब वो लोग कैसे इसको चीज को क्लियर करेंगे कैटेगरी वाइज या कैसे किस तरह से कट ऑफ का लग सकता है। तो देखो जो एएलपी के लिए है, एएलपी के लिए ये मैं एक ओवरऑल बता रहा हूं, अब ये उन्होंने नहीं बताया कि ये आरआरबी वाइज लगाएंगे या सीबीटी 1 में सिर्फ एक मिनिमम कट ऑफ रखेंगे उसी के हिसाब से सबको बुलाएंगे, फिर आरआरबी वाली आरआरबी वाइज सीबीटी 2 में लगाएंगे, आरआरबी वाइज सीबीटी 2 में, समझ रहे मेरी बात को, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो मैं जो मेरा जो आंकड़ा कहता है वो उसी आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं कि एएलपी और टेक्नीशियन जो है, एएलपी और टेक्नीशियन जैसे 40% रिक्वायरमेंट थी जनरल के लिए, आई थिंक जनरल के लिए 40% था ना, तो 40% होके जितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं 75 से 30 नंबर बैठ रहे हैं, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी ना ये 30 से 32 के आसपास, दो एक नंबर ऊपर मान लो मैक्सिमम, दो एक नंबर ऊपर। तो जनरल एएलपी टेक्नीशियन जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जितनी इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 35% 25% वो वाला जो सिस्टम है, तो आप अपनी सिर्फ क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई करके ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, जितने लोगों के मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आ जाएंगे, मेरी बात समझ रहे ना, जितने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स सिर्फ आप क्लियर कर लो सीबीटी 1 से। ये मैं तब बता रहा हूं अगर ये ऑल ओवर इंडिया एक लगती है, अगर आरआरबी वाइज लगती है कि भाई कहीं पे 100 वैकेंसी है, कहीं पे कितनी वैकेंसी है 100 किसी चीज की, मान लो एएलपी की, एएलपी की मान लो 100 वैकेंसी है, तो फिर ये उसी के हिसाब से यहां पर, जैसे यहां पे फिर इनको कितने बुलाने होंगे, 15 गुने बुलाने होंगे, तो 1500 लोग बुलाएंगे, क्यों ज्यादा बुलाएंगे, तो उसी के हिसाब से मेरिट को बढ़ा देंगे। मैं ये ऑल इंडिया के हिसाब से बता रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूं, तो मैं अपने हिसाब से समझ के बता रहा हूं बच्चा, ऑल इंडिया लगी तो ये, अगर इस हिसाब से लगती है कि वैकेंसी के हिसाब से, तो आरआरबी वाइज डिफरेंशिएशन होगा। चलिए पहली बात ये समझ में आ गया ना, एएलपी और टेक्नीशियन। अब पीसीएम वालों के लिए स्पेशल कट ऑफ है, अगर पीसीएम वालों को वो लोग स्पेशली अलग करते हैं, पीसीएम की जितनी वैकेंसी है 5,000 उसके हिसाब से 15 गुना बुलाते हैं, तो बच्चा आराम से 45 क्रॉस कर जाना, 45 से 50 और कहो तो 50 के अप्रोक्स, 45 से 50 के अप्रोक्स फिजिक्स और मैथ वाले जिनका 12th में है, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd अगर आपको अपनी पोस्ट वाइज बुलाया जाता है तब, पोस्ट वाइज बुलाया जाता है तब, बाकी जितने लोगों ने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आ जाएंगे उतने लोग क्लियर करके
नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे, इस बात का भरोसा रखो अच्छे से। दूसरी बात, ये ऑल इंडिया की बात है, अगर आपकी कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया तो होगी, अगर आपकी आरआरबी के अकॉर्डिंग लगती है कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से आपको बुलाया जाता है, तो हो सकता है कि जिस आरआरबी में कम वैकेंसी होंगी और उसमें फॉर्म ज्यादा होंगे, हो सकता है उसका 50 से पार चला जाए, और जिसमें ज्यादा वैकेंसी है कम फॉर्म है, जैसे मान लो किसी ने सिकंदराबाद के लिए कम चूज किया है, किसी ने सिकंदराबाद जो है साउथ में नहीं लिया, किसी ने सिलीगुड़ी साइड इस साइड नहीं लिया, तो उसके हिसाब से वहां की कट ऑफ कम रह सकती है। अब आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग से आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, देखो जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होगी वो अजमेर से भी अपने अंदर एक सीट निकाल देगा, चंडीगढ़ से भी निकाल देगा, इलाहाबाद से भी निकाल देगा, और जो सिर्फ ये देखेगा कि सबसे कम कट ऑफ कहां होगी मैं तो वहीं फॉर्म भरूंगा, तो भाई मेरे पास उसके लिए कोई सुझाव नहीं है बच्चा, क्योंकि जो लड़ने से पहले ही हार गया तो मैं तो उसका कैसे साथ दे पाऊंगा, जो लड़ाई करने से पहले ही हार गया, अरे कोशिश तो करो, पढ़ो तो सही, इंसान ही तो है। जब एक इंसान पहाड़ तोड़ सकता है, एक इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है, एक इंसान मिसाइल बना सकता है, तो क्या आप एक साधारण सी एक एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते पढ़ के? कर सकते हो, सारे रिसोर्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे संसाधन जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा, जितने घंटे कहोगे उतने घंटे। लेकिन ये तो कहो कि हाँ सर हम लड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जाग रही है, हमारे अंदर अब कुछ कर गुजरने का मन कर रहा है, तब तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये होगी कट ऑफ की बात। अब कर लेते हैं सिलेबस की बात और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का अपने दोस्तों से, मेरे पास वो व्हाट्सएप नहीं है कि आप 20 लोगों को शेयर कर दो मैं आपको 5 फ्री के टेस्ट दे दूंगा, मेरे पास वो सब सिस्टम नहीं है। एग्जामपुर बन चुका है सब कुछ, आज हवन है दोपहर बाद, तो आप सब लोग हवन में आइएगा, मैं कम्युनिटी पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी बात, सीबीटी टू के लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले कि जो रेलवे अपना कट ऑफ वगैरह क्लियर कर दे, तो पता चल जाएगा कि कितने कौन कौन लोग सीबीटी टू में जाने के लिए तैयार है, और ये बिल्कुल ही सीरियस बच्चे होंगे, इनको पढ़ाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जितने लोग पढ़ाई करेंगे, देखो जितने लोगों ने पढ़ाई की वो सीबीटी टू तक पहुंच जाओगे, और जो यहां से पढ़ाई करेगा वो आप अपनी फाइनल जॉब तक पहुंच जाओगे। इसके लिए प्लान है, आपका ट्रेड के लिए भी प्लान है अच्छे टीचर्स के साथ, आपके जो ये 100 नंबर का पेपर होता है इसके लिए भी आपके लिए प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना ऐसे तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम अपना लक्ष्य तो हो कि मैं किस चीज पर तीर चला रहा हूं। अभी तो हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें एक चीज देखनी है, चिड़िया की आंख सिर्फ। तो वो अभी रेलवे क्लियर कर देगा, क्योंकि एक तारीख तक है ये सारा सिस्टम जो आप भर रहे हो, एक तारीख से कुछ ही दिनों में वो क्लियर कर देगा कि उसको कौन कौन बच्चों को सीबीटी टू में भेजना है। सीबीटी टू के लिए आपके पास समय है, परेशान मत होना, कम से कम 90 दिन मिलेंगे, कम से कम 90 डेज, ज्यादा मिल गए तो आपका नसीब है, 90 डेज तो आराम से मिलेंगे, और आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 नंबर का तो बस लेवल बढ़ाना होगा, इसका तो हल्का सा लेवल बढ़ा लो, ये तैयारी तो की हुई है आपने, इसमें जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला रोल है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 चैप्टर, हीट, मोशन, एनर्जी, फोर्स, यूनिट्स, ये 4 से 5 चैप्टर हैं जिसको आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नाम से डर रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस इन 5 से 6 चैप्टर्स को थोड़ा सा और लेवल हाई बना के पढ़ना है, थोड़ा सा और आपको डायमेंशंस से खेलना सिखाना होगा, वो सब मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जो ट्रेड वाला होगा, ट्रेड के लिए आपका अलग सीन रहेगा, उसके लिए बेहतरीन टीचर्स खूब अच्छे मिलेंगे आपको, पूरा आपका साथ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपना फर्ज निभाना। दूसरी बात, ये हो गया कि हमारे पास क्या प्लान है, तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ अच्छे से ये पीडीएफ पढ़िए, 58 पेज का जो आपको वेबसाइट पर दे रखा है, और इसको पढ़कर अच्छे से समझिए कि आप किस कैटेगरी की जॉब के